दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोगों को 11 केवी का लाइन कैसे 4 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 11 केवी का ओवरहेड लाइन कैसे 414 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप लोगों को मैं आज बताऊंगा इस वीडियो के जरिए। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, एक देखिए एक रेल पोल है, उसके ऊपर देखिए 11 केवी का ओवरहेड लाइन, ठीक है। उसके नीचे एक डबल पोल स्ट्रक्चर है और उसके नीचे एक DTR है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को आज जानकारी देंगे या डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं रास्ते का इस पार खड़ा हुआ हूँ और उस पार वो ओवरहेड लाइन है, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा मैं रास्ते के इस पार हूँ और उस पार वो ओवरहेड का लाइन है, 11 केवी का लाइन है वो। दोस्तों देखिए ओवरहेड लाइन, ठीक है, वो लंबा वाला जो पोल है वो 13 मीटर का है। दोस्तों लंबाई जो है वो 13 मीटर का है। वो 13 मीटर का है लंबाई, वो जो पोल है उसको रेल पोल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए वो 11 केवी का लाइन जो है वहां से बहुत दूर दूर से आ रहा है। देखिए मैं थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ते पे बहुत गाड़ी है तो इसलिए मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। 11 केवी का लाइन एक केबिल के जरिए, देखिए दोस्तों एक केबिल के जरिए डबल पोल स्ट्रक्चर में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आइसोलेटर है, तीन इंसुलेटर के ऊपर एक आइसोलेटर है। उसके बाद HT फ्यूज है, ठीक है। HT फ्यूज के बाद एक DTR है, छोटा सा DTR है, ठीक है। वो DTR डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट हो जाता है। 11 केवी का जो लाइन है वो 414 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 414 वोल्ट का जो करंट है वो देखिए वो एक केबिल के जरिए रेड येलो ब्लू और ब्लैक के जरिए वो बिल्डिंग में जा रहा है, श्रद्धांजलि अपार्टमेंट में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है 11 केवी का लाइन LT में कन्वर्ट होता है ट्रांसफार्मर के जरिए, ठीक है। इलेवन केवी का जो लाइन है देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है, इसका डिजाइन भी अच्छा है और ड्रेसिंग भी बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है। वो रेल पोल है, ठीक है। 11 केवी का जो लाइन है वो जॉइंट किट के जरिए उसको जॉइंट किया गया है, ठीक है। 11 केवी का जो जॉइंट किट होता है उससे जॉइंट किया हुआ है केबिल का, ठीक है। वो 11 केवी का केबिल है, ठीक है। उसके बाद एक डबल पोल स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद वो DTR में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो 11 केवी का लाइन होता है उसको कन्वर्ट करके 414 वोल्ट निकलता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर से वो निकल के वो एक अपार्टमेंट में जा रहा है, तो जो श्रद्धांजलि अपार्टमेंट है उसमें सप्लाई जा रहा है। ज़्यादा बड़ा DTR नहीं है, वो छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है।
DTR का जो दूसरा रेल पोल है, वो रेल पोल नहीं है, वो कंक्रीट का पोल है दोस्तों, ठीक है। उसका हाइट ज़्यादा नहीं है, वो करीब 9 मीटर का होगा, और रेल पोल के साथ सीमेंट पोल का एक एंगल से सपोर्ट दिया हुआ है वो स्ट्रेट रखने के लिए, वो ज़्यादा ना हिले इसलिए वो एंगल के सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 11 केबल का जो केबल का मुंडी है, जॉइंट जीप के जरिए उसको आइसोलेटर का जो पिन इंसुलेटर है उसके साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। आइसोलेटर का जो सेट है उसमें कनेक्ट किया गया है, ठीक है। आइसोलेटर के नीचे जो है वो HT फ्यूज है, छोटा सा कॉपर वायर का, ठीक है। उसके बाद फ्यूज के बाद वो HT केबल जो होता है 11 KV का, वो आके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होता है। उसके बाद 11 KV का जो लाइन होता है वो 414 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को सप्लाई मिलता है, ठीक है। 414 वोल्ट में से वो सिंगल फेस निकलता है, किसी का अपार्टमेंट में जाता है, किसी के घर में जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है 11 KV का लाइन 414 वोल्ट में कन्वर्ट होने का। रास्ते में कितना गाड़ी है देखिए दोस्तों, उसके बाद भी मैं आप लोगों को वीडियो करके बता रहा हूँ कि 11 KV का लाइन कैसे 414 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। और एक नीचे देखिए, रेल पोल के नीचे एक लोहे का एक स्ट्रक्चर है, गाड़ी से आप देख पाएंगे तो देखिए नीचे, बिल्कुल नीचे एक लोहे का स्ट्रक्चर है, जो फ्यूज है, रेड येलो ब्लू का जो फ्यूज रहता है वो फ्यूज है। जब भी ओवरलोड होता है लाइन तब कट हो जाता है, उसके बाद वो फ्यूज का जो वायर होता है उसको चेंज कर देना पड़ता है। बिल्कुल नीचे LT फ्यूज है, वो लोहे के स्ट्रक्चर के नीचे LT फ्यूज है, ठीक है। HT फ्यूज अलग होता है, LT फ्यूज अलग होता है, ठीक है। तो देखिए लाइन बहुत दूर दूर से आ रहा है, बहुत दूर दूर से वो लाइन आ रहा है। मैं आप लोग और थोड़ा नजदीक जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 11 KV का लाइन 414 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। नीचे एक लोहे का स्ट्रक्चर है जिसपे LT फ्यूज है। जा रहा है, बहुत गाड़ी आ रहा है, गाड़ी की वजह से थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, शायद नज़दीक जा नहीं पा रहा है इसलिए गाड़ी की वजह से, इसलिए रास्ते के दूसरे साइड से हम वीडियो कर रहे हैं।